वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा ज़ारा ऑफिशियल। व्यूअर्स, कल से एक दफ़ा फिर मशहूर ज़माना साइफर जो है उसके चर्चे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पहली दफ़ा सामने आए थे इमरान खान लोगों के, तब से लेके आखिरी तकरीर जो उन्होंने लोगों के सामने की, उसमें जो सेंट्रलाइज्ड पोजिशन उन्होंने ली थी रिजीम चेंज की, वो साइफर की बेस पर ली थी। तब से लेके इंपोर्टेड हुकूमत के नारे और उसके बाद रिजीम चेंज, यूएस की इन्वॉल्वमेंट से डोनाल्ड लू का नाम, ये सब कुछ यूं लगता था जिस तरह एक मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है। लेकिन फिर इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी हुए, उसके एलामिये भी जारी हुए, ये पता चला कि इस पर तो डिमार्श भी किया गया था अमेरिकन एम्बेसी को। और जो ड्यू प्रोसेस है जिसमें अगर एक मुल्क समझता है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके उनके साथ किसी दूसरे मुल्क ने इंगेज करने की कोशिश की है, तो डिमार्श उसके रिस्पांस में दिया जाता है। तो जो मुदाखलत है उसका एतराफ़ किया गया था और ये कहा गया था कि किसी मुल्क को कोई हक हासिल नहीं है कि वह हमारे अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करे। तो इससे एक बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि समथिंग हैपन्ड, कुछ हुआ ज़रूर था। और वो साइफर जो था उसकी बेस पे इमरान खान ने अपना नैरेटिव ही ये बिल्ड किया था कि अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से उनकी रिजीम चेंज हुई, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था। लेटर ऑन अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए से और अपने बयानात के ज़रिए से उनकी पॉलिसी में शिफ्ट नज़र आया और उन्होंने कहा कि इंटरनल एलिमेंट वॉज देयर, इंटरनल एलिमेंट से उनकी मुराद जनरल बाजवा थे जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज्ड सिनेरियो रहा और इसको राइट लेफ्ट सेंटर इमरान खान भी वक्तन फवक्तन कभी बहुत हाईलाइट करते रहे हैं, कभी इसको टेपर डाउन करते रहे हैं। एट द सेम टाइम वो इंगेज भी करते रहे हैं अपने लोगों के ज़रिए से अमेरिकन डिप्लोमेट्स को, और बेशुमार इंटरव्यूज़ और बेशुमार जूम मीटिंग्स में एक अमेरिकन कांग्रेस वेमन को वो ये कहते हुए भी सुनाई दिए थे कि आप हमारी हेल्प करें ह्यूमन राइट्स के मसलों पर जो पाकिस्तान में हो रही हैं। Which means that at some times Imran Khan realized के चाहे ये हकीकत भी हो, ये साइफर के ज़रिए से जो भी स्टोरी आई थी सामने कि उनकी रिजीम कैसे चेंज की गई है, उनकी हुकूमत कैसे गिराई गई है, तब भी US की relevance in पाकिस्तानी politics is so real कि उनके साथ engage किए बगैर आप चल नहीं सकते। So वो जो anti-American sentiment लोगों में रेस किया गया, उसका बैकलैश हम हमेशा, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, हमेशा देखते रहे हैं इलेक्टोरल कैंपेन्स में या जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है। दो चार चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी कमोडिटी के तौर पे सेल होती हैं मैसेस में। नंबर वन इज़ रिलीजन, नंबर टू इज़ हेट अगेंस्ट यू नेम इट इंडिया और अफ़गानिस्तान या कोई और ऐसी हॉस्टाइल एजेंसीज, इज़राइल फॉर एग्ज़ाम्पल। रिलीजन हमेशा से सेल होता आया है, इमोशनलिज्म जिस नारे में आ जाए वो भी बहुत बिकता है, और उसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज़ की जिस पे तकरीबन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वो ये कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है गद्दार है, यानी एंटी अमेरिकनिज़म। While all this is happening, साथ साथ हमारी engagement भी US के साथ चलती रहती है, साथ साथ हम US की policies को भी follow करते रहते हैं, US के साथ हमारा trade का जो level है और जो diplomatically हम समझते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत दुनिया में global order में survive करने के लिए US की है, वो एक अलग हकीकत है। जब दिल करता है ये कह दिया जाता है कि पिछली हुकूमत ने हमें isolate किया, अमेरिका से दूर कर दिया और उसका हम नतीजा भुगत रहे हैं, और फिर एक नया क्लेम किया जाता है कि हम फिर से डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे हैं यूएस के साथ टूवर्ड्स अ न्यू लेवल ऑफ इंगेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये सब बैक एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप्स अमेरिकन सेंटर्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान होता है और इसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में एक सुबकी उठानी पड़ती है, लेट मी पुट इट दिस वे, उसका शायद किसी को एहसास नहीं है। आज अमेरिकन स्पोक्स पर्सन से एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने जब यह सवाल किया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने काफ़ी एम्बेरसिंग वे में ये कहा, एम्बेरसिंग फॉर पाकिस्तान आई वुड से, कि ये बात हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारा किसी मुल्क की इंटरनल सियासी जमात से या सियासी हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। वी ऑल नो कि ये लिखे हुए अल्फाज होते हैं जो बोल दिए जाते हैं, हकीकत इसके बरक्स होती है। वी ऑल नो कि US की इंटरवेंशन हमेशा से मुख्तलिफ मुल्कों में रिजीम चेंज के लिए रही है, लेकिन जिस लेवल पर यह मामला पहुँच
समझ गया है कि अब उस साइफर की बेस पर इमरान खान के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई जा रही है, उसको एक तरह से दोबारा जिंदा कर दिया गया है, एक ऐसे टॉपिक को जिस टॉपिक को शायद सेटल करना चाहिए था इंटरनली बैठ के कि ऐसी नौबत क्यों आई और बार बार क्यों आती है, उसके बजाय इसी पे अब मजीद सियासत हमारी कैपिटलाइज कर रही है. सो वी आर बैक टू अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिटिक्स इनसाइड पाकिस्तान. और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शंस के लिए तैयारी भी हमें दिखा रहा है कि जी हम रेडी हैं इलेक्शंस कराने के लिए, विच मीन्स के उन्हें लगता है शायद कि हमने इतना कैपिटलाइज कर लिया है ऑन इमरान खान, जिसकी बेस पे वो तो अब मुकदमात में उलझे रहेंगे और हम इलेक्शंस करवा के उससे कुछ ना कुछ अपनी मर्जी का नतीजा निकलवा ही लेंगे. मीडिया को जो लीक हुआ आज़म खान का एतराफ़ी बयान, उसको जिस तरीके से पेडल किया बड़े मुमताज़ सहाफ़ियों ने, वो भी बहुत ही आई वुड से एम्बैरसिंग था जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से. और स्पेशली वो जो स्क्रीनशॉट है जिसमें आगे लिखा हुआ है यू मे प्ले द वीडियो ऑफ इमरान खान हियर, उससे साफ लगता है कि उस नैरेटिव की इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने पढ़े बगैर उसको आगे फॉरवर्ड कर दी, ट्विटर पे ट्वीट कर दी. विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि पढ़ता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है, हर कोई सिर्फ अपना नाम बनाना चाहता है और समझता है कि कहीं से न्यूज़ फीड हो जाए तो सिर्फ उसका चर्चा करके हमने किसी के आगे खुश होना है. मालिकों के आगे अपने जो मीडिया के ओनर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स के जो ओनर्स हैं, उनके आगे अपने नंबर बनाने हैं, उनसे तनख्वाहें बढ़वानी हैं, उनसे पर्क्स लेने हैं. सो जर्नलिज्म ने भी अपना ही एक लेवल एक्सपोज किया है विच इज़ टू लो. और अब समझ नहीं आती कि किस न्यूज़ पे कैपिटलाइज किया जाए, रिलाय किया जाए और किस पे ना किया जाए. बहरहाल जब ये लगे कि बहुत सारे सहाफ़ी एक ही जैसे नैरेटिव को पेडल कर रहे हैं तो दिस इज़ वन न्यूज़ फॉर मी कि ये सब किसी एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं से फीड हुए हुए को हमारे सामने पेश कर रहे हैं. सो दिस कांट बी द न्यूज़. न्यूज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ती है आजकल पाकिस्तान में. आज़म खान ने जो बयान दिया है उसको सामने रखते हुए, या यूँ कहना चाहिए एलिजिडली जो लीक्ड उनका बयान है, अभी जब वो कभी सामने आएंगे किसी मजिस्ट्रेट के या किसी अदालत में और वहाँ आके ये बयान देंगे, यही बयान, तब हम इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ज़्यादा बात कर सकेंगे. तहम इमरान खान का कहना था कि जब तक वो मेरे सामने आके नहीं कहते मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करूँगा. ही इज़ राइट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज जब फवाद हसन फवाद और अहद चीमा, जो कि नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब वो लोग जेल में थे उस वक्त भी बहुत कहानियां आती थी कि फवाद साहब ने ये कह दिया, अहद चीमा ने ये कह दिया, ये कन्फेशन हो गया, वो कन्फेशन हो गया, बट कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं था, कुछ भी उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला जिसको एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके. तो जब तक इसकी हकीकत सामने नहीं आती तब तक ये एक लीक्ड बयान है और इसके ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता. स्पेशली जिस तरीके से आज़म खान जो हैं वो लापता हुए और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया कि अगर उनके बारे में किसी को मालूम है तो 15 पे राबता करें. एंड जस्ट इमेजिन जिस मुल्क में वज़ीर आज़म एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है वो लापता हो जाए और उस पर भी पुलिस को ट्वीट करनी पड़े कि अगर किसी को पता चले तो 15 पे हमें बता दे, तो उस मुल्क में आप क्या बात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते. बहरहाल साइफर के मामले पे ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि इस पे मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए. यही मुतालबा तहरीक इंसाफ का भी रहा है. मेरा ख्याल है द जस्ट वे इज़ कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव तफ्तीश करा ली जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी करा ली जाए, वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल किया जाए, वरना ये अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिटिक्स हमारी कभी रुकने का नाम नहीं लेगी और जब जिसका दिल करेगा वो इसके साथ उसी तरह खेलेगा जिस तरह एक लीक्ड ऑडियो में कहा जा रहा था कि हम इस पे खेलेंगे. इसके अलावा मीडिया हाउसेस को जिस तरह टिकर्स जारी किए गए उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताया गया कि इस पे आपने एनालिसिस किन लोगों का लेना है, और जिस हद तक ये चीज़ फीड हुई भी लग रही थी उससे भी लगता है कि आगे जाके ये शायद कोई डिफरेंट रूट इख्तियार करे. बहरहाल फ़िलहाल वज़ीर कानून का कहना है कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सज़ा हो सकती है एक्स प्राइम मिनिस्टर को. और आज़म खान का जो बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है
कि मेरे मना करने के बावजूद इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया और कहा कि इसके ज़रिए से मैं आने वाला जो बयानिया है उसको तरतीब दूंगा और तफ्तीश में अदम तावुन पर इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, ये वज़ीर दाखला ने कहा है। 25 जुलाई को उनको तलब कर लिया गया है FIA की तरफ से और उसके साथ साथ उन्होंने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों को 24 जुलाई को FIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेशी की हदायत की गई है और उन्होंने कहा है कि आप आते हुए, इमरान खान को उन्होंने कहा है कि आते हुए साइफर और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो भी लेके आएं। सो लेट्स सी वेयर दिस गोज एंड मीनवाइल, जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले ही दो सूबों में इलेक्शंस कराने के लिए ना सिक्योरिटी थी, ना अमला था, डिजिटल सेंसस हो रहा था और यू नेम इट, सारे मसाइल मौजूद थे जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते थे। अब वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी अहलकार भी लाजमी मिलेंगे। ये ज़फ़र इकबाल साहब हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पे असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन करा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी अहलकार भी मैसर हैं, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे। सो जो डिजिटल सेंसस हुई है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, उसके ऊपर जो भी खर्चा आया, उसके ऊपर जो भी मेहनत हुई, उसकी जो भी रियलिटीज़ हैं, उसकी बेस पे इलेक्शन नहीं होंगे, पुरानी हल्का बंदियों पे ही इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन के लिए जो वाटरमार्क पेपर होता है वो भी हासिल कर लिया गया है, तमाम इदारों से राबता है, DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू कर लिया है, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, मवाद भी बिल्कुल तैयार है, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ROs के लिए दरख्वास्त की है, नए इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कराएंगे। ये फर्स्ट टाइम बात हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैटेगोरिकली कि सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वी आर रेडी फॉर इलेक्शन। बट यहाँ से एक अलहदा बैटल स्टार्ट होगी, वो ये कि नाउ इलेक्शन कमीशन इज़ रेडी, विच मीन्स द पोलिटिकल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू होल्ड द इलेक्शंस। लेकिन वो जो बीच में बातें चल रही हैं कि 90 दिन के बाद भी इलेक्शंस होते किसी को नज़र आ रहे हैं, या 90 रोज़ के बाद होने हैं या 60 दिन के बाद होने हैं, अगर कोई केयरटेकर सेटअप ऐसा आया जिसमें वज़ीर आज़म एक ऐसा फेस हुआ जो कि टेक्नोक्रैट भी है और साथ साथ सियासतदान भी है, तो ये सिलसिला लंबा भी जा सकता है। हो सकता है इलेक्शंस मार्च में जाके एक साल तक लंबा चला जाए ये मामला। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त IMF की जो सेकेंड हमें ट्रांश मिलनी है, जो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इस गवर्नमेंट को मिली, नेक्स्ट केयर टेकर को मिलनी है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम कोई भी सियासी निगरान वज़ीर आज़म लेके आएँ, क्योंकि हमारी इकॉनमी इस वक्त डोल ड्रम्स में है और IMF ने हमारे पे मुस्तकिल चेक रखा हुआ है। सो बहुत सारी बातें हो रही हैं इकॉनमी सेंटर में रख के, उसके बहाने से देखना ये है कि क्या इलेक्शंस को डिले किया जाता है या इलेक्शंस को डिले करने के बजाय मैनेज किया जाता है। एक चीज़ तय नज़र आती है कि PDM, कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ौरन बाद, जब ये साइफर के ऊपर सारे प्रोग्राम्स हो चुके थे, सारा दिन न्यूज़ चल चुकी थी, रात के 11 बजे जब उनको मौका मिला उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, तो उससे ये लगता है कि तमाम पोलिटिकल फोर्सेज नाउ वॉन्ट टू गेट इन टू इलेक्शंस। और सुनने में ये आ रहा है कि जो इंटरनली ब्यूरोक्रेट्स को कहा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जितने भी चीज़ें पेंडिंग हैं उनको जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज हम लोग ही वापस आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, इतना प्रिडिक्टेबल है ये वाला इलेक्शन। एंड एट द सेम टाइम जो क्लीन चिट मुस्तकिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को मिलती चली जा रही है, उसमें एक और इजाफा हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी बरी हो गए हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज समेत दीगर अफराद को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बरी कर दिया है। उनकी शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज भी दीगर मुलजमान में शामिल थी जिनको बरी किया गया है। और जितनी इन लोगों की जायदादें फ्रीज़ की गई थी वो सब डी फ्रीज़ कर दी गई हैं, हुक्म दे दिया गया है। और ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट में मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पे मबनी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आवाम के सामने एक मरतबा फिर सुरखरू फरमाया है। सो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स शहजाद अकबर ने कहा था कि हुदैबिया केस में एतराफ़ी बयान
मौजूद होने के बावजूद जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान को रायत दी गई, ये चीज़ लगता है सहूलत पाकिस्तान में और किसी ख़ानदान को मैसर नहीं है। और ये जो पूरा टेन्योर गुजरा है पीडीएम गवर्नमेंट का, अप्रैल 2022 से लेके अब तक का कोई 14-15 मंथ्स, इसमें एक एक करके इट हैज़ बीन मेड श्योर कि कम अज़ कम शहबाज शरीफ की जो फैमिली है उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाए। शहबाज शरीफ हैज़ अर्नड इट इन दीज डेज, ये जितने भी उनके हकूमत में गुजरे हैं, कि उन्होंने और कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर्सन स्पेसिफिक इंसाफ उन्होंने अदालतों से ज़रूर ले लिया है। और इससे हमारी जुडिशरी कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इससे हमारी FIA जैसी एजेंसियाँ कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, और इससे हमें क्या मैसेज जाता है, आई थिंक उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन ना बढ़ाए जाने के बायस 22 जुलाई से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर महीना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। और उनका कहना यह था कि सिर्फ 9th और 10th मुहर्रम को 2 दिन के लिए हम पंप्स खोलेंगे। मेन रीज़न जो उन्होंने बयान की है वो यह है कि सरकारी सरपरस्ती में ईरानी पेट्रोल और डीजल की सरेआम स्मगलिंग हो रही है, और इस बढ़ती हुई स्मगलिंग के ज़रिए आने वाले पेट्रोल और डीजल की जो फरोख्त है उससे जो लीगल पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी जो उनके प्रॉफिट्स 30% तक कम हो गए हैं। और उन्होंने बताया कि वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम से बार बार रब्ता करके इन हकायक से उन्हें आगाह किया गया है, बट नोबडी रिस्पॉन्डिंग टू देम। और उनका कहना था कि तकरीबन ईरानी पेट्रोल फरोख करने वाले 20 डीलर्स के लाइसेंसेस हमने कैंसिल करवाए हैं, एसोसिएशन में अंदर ही काली भेड़े मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी वाज तौर पर कहा है कि पेट्रोल ईरान से आ रहा है। ये बहुत पुराना मामला है पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग पाकिस्तान में ईरानी बॉर्डर से बहुत आम है। अगर आप बलूचिस्तान में जाएं, कोयटा में जाएं, ईरानी पेट्रोल आपको आम मिलता है। और लगता ये है कि ये मामला अब बढ़ के पंजाब तक भी पहुंच गया है, तो जो यहाँ के डीलर्स हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मामला ये बहुत बड़ा है, जाते जाते गवर्नमेंट ये एक बहुत बड़ा मसला छोड़ के जा रही है, हल इसका गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है। अगर करना चाहते तो जो वज़ीर पेट्रोलियम से वो लोग इतने अरसे से रब्ता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हल निकल चुका होता, बट इट सीम्स दैट दे आर बिज़ी एल्सवेयर। और हुकूमत का बस चलता तो वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के माहदे के बावजूद पेट्रोल की कीमत में पहले ही कमी तो कर चुकी है, लेकिन वो मज़ीद कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कैपिटल अचीव करने के लिए और भी कुछ ऐलान कर देती, बट IMF की बाइंडिंग की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो लगता ये है कि वो जो एक गैप है उसको फिल करने के लिए जो स्मगलिंग माफिया है वो बहुत एक्टिव हो गया है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली लोगों को फेस करना पड़ेगा। और बिजली के बिलों में आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग में ये कवर किया था कि सेनेट में ये डिस्कस हुआ है कि सुपर टैक्स जो कि अमीरों पे लगना था उसकी सब सेनेटर्स ने मुखालफत की थी और कहा था कि इसके बजाय आप लोगों के बिलों में पैसे डालें, बेशक रेडियो के ऊपर आप टैक्स लगा दें और उसको बिजली के बिल में डाल दें, जिस तरह मर्जी कवर करें, बट ये सुपर टैक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब खबर ये है कि वजारत ख़जाना के मुताबिक बिजली के बिल की मद में 35 रुपीज़, 35 रुपये PTV और 15 रुपये रेडियो फीस वसूल की जाएगी। वजारत इत्तलात ने इस हवाले से समरी तैयार कर ली है। और ये जो लॉस में एंटिटीज़ होती हैं, पब्लिक एंटिटीज़ जो लॉस में जा रही होती हैं, वी ऑल नो रेडियो कोई नहीं सुनता। एक तरफ तो पेंशन जिन लोगों को मिल रही है उनके अकाउंट्स ब्लॉक करके उनको तंग किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो पेंशन का एक हजम बहुत बड़ा हो गया वहाँ से बचत कर ली जाए। दूसरी जानेब ये जो रेडियो के नाम पे हमसे फीस वसूल करने की बात हो रही है 15 रुपये बिजली के बिल में, रेडियो में अगर लॉस हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कोई आजकल रेडियो में नहीं सुनता, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान के रेडियो पे क्या कहा जा रहा है, तो आप इसको बंद करें, आप इसको सही तरीके से या तो प्राइवेटाइज कर दें, इसको सेल कर दें, जो भी इसका करना है वो करें, लेकिन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, नो पॉलिटिकल विल, दिस इज़ कॉल्ड बैड गवर्नेंस। कि आपने लोगों की तनख्वाहें देने के लिए, क्योंकि अब रेडियो पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए ये तरीका निकाला है कि आवाम से इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 15 रुपये और ले लिए जाएं, और इस तरीके से खसारे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट इदारे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की जो लॉस में जाने वाली पब्लिक एंटिटीज़ होती हैं उनको ख़रीदने में, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ होती हैं उसमें अपनी मर्ज़ी के प्राइवेटाइजेशन के क्लॉजेस डाल के उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, क्योंकि उससे जुड़े हुए अपने कुछ स्टेक्स होते हैं।
रेडियो पाकिस्तान नोबडी इज़ बॉदर्ड कि इसको कैसे हैंडल करना है. एक बिल्डिंग है, बेशुमार तनख्वाहें हैं, बेशुमार पेंशंस हैं, उसको एक अच्छी डिसीजन मेकिंग से डील किया जा सकता है अगर वो लॉस में जा रहा है, बट नोबडी इज़ डूइंग दैट. अल्टीमेटली लोगों के जेब से ही पैसे जाएंगे. आई सी यू टुमारो. इमरान खान ने आज 8 बजे खिताब करना था लोगों से और उन्होंने साइफर पे अपना रिस्पांस देना था. लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो.